हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट किया था, दिस वन। और इसका बहुत ही लेंथी डायग्राम ये बना था। अगर आप इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करें, और आपसे क्वेश्चन एक आ गया कि आप मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा बनाइए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए या रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, तो आप इसको जरा फिर से एनालाइज करते हैं। व्हाट डज दिस मीन? इसका मीनिंग ये है कि या तो ए बी का रेपिटेशन होगा हमारे स्ट्रिंग में, या तो क्या होगा कि राइट वाला पार्ट जिसमें ए से स्टार्ट हो सकता है हमारा, और ए या ए बी का रेपिटेशन होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोजर है। इसके बाद फिर बी आ सकता है और इसका रेपिटेशन हो सकता है, और लास्ट में ए और बी अनरिस्ट्रिक्टेड आ सकते हैं ए प्लस बी स्टार का। ये मीनिंग है। मान लीजिए आपने इसमें से कोई भी सिंबल सेलेक्ट नहीं किया, और आपने यहाँ से भी कोई सिंबल सेलेक्ट नहीं किया, और यहाँ से आपने सिंबल सेलेक्ट किया। सो इसका ये मतलब है कि एनी स्ट्रिंग दैट इज पॉसिबल विद ए बी। सो अगर आप इसमें से भी कोई भी सिंबल सेलेक्ट नहीं करते, इसमें से भी कोई भी सिंबल सेलेक्ट नहीं करते, इसमें से भी कोई भी सिंबल सेलेक्ट नहीं करते, तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि आप ए और बी से बनने वाले सारी स्ट्रिंग्स को ले सकते हैं। तो ए और बी से बनने वाले सारी स्ट्रिंग का जो ऑटोमेटा होगा वो तो ऐसा होगा। दिस इज द मिनिमल डी एफ। इट मीन्स इस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, जो कि इतना बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन हमें गिवन था, हमें केवल एक स्टेट चाहिए जिससे कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सो आपको ये भी ध्यान देना होगा अगर इस तरह के क्वेश्चन गेट में आते हैं कि आप मिनिमल डी एफ कैसे बनाएंगे गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं और इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। Let's say we are taking this one. Now, अगर हम इसको पिक करते हैं, so this is a plus b a and a plus b the whole closure of this and then a and b a whole closure and b star. So you can see that there are multiple components. The first component is this one, second one is this one, third one is this one, and fourth one is this one. तो अगर हम एक इनिशियल स्टेट बनाएं और पूरा ऑटोमेटा इसमें लिख दें, पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन इसमें लिख दें, ए प्लस बी ए देन ए प्लस बी इट्स होल क्लोजर देन ए देन बी ए होल क्लोजर एंड बी क्लोजर, दैट विल लीड अस टू फाइनल स्टेट। अब इसका हम एक्सपेंशन करना स्टार्ट करते हैं। हाउ विल वी डू द एक्सपेंशन? इसमें तीन तो क्लोजर्स हैं और ये सारे कंपल्सरी पार्ट्स हैं। सॉरी, इसका मतलब है कि ये कॉन्कैटिनेशंस हैं, नॉट कंपल्सरी पार्ट, द कॉन्कैटिनेशन। तो चूंकि एप्सिलॉन से ट्रांजिशन से हम क्लोजर दिखाने के लिए आगे जा सकते हैं, सो हम इस स्टेट पहुंच जाते हैं एंड दिस एक्चुअली विल बी ए प्लस बी ए एंड देन ए प्लस बी होल क्लोजर। एंड देन इसके बाद ए सिंबल से हम नेक्स्ट स्टेट में पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन क्लोजर है, तो एप्सिलॉन से पहले आप ट्रांजिशन दिखा दीजिए एंड देन बी ए का ट्रांजिशन यहाँ पे दिखा दीजिए। अगला वाला पार्ट अगेन क्लोजर है, तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन से आप बी पे पहुंच जाइए, नेक्स्ट स्टेट पहुंच जाइए और बी का यहाँ पे क्लोजर दिखा दीजिए एंड देन एप्सिलॉन से आप फाइनल स्टेट यू एफ में पहुंच सकते हैं। फर्दर इसका एक्सपेंशन करते हैं, और फर्दर एक्सपेंशन के लिए हम ये वाला पार्ट का क्लोजर बनाएंगे। सॉरी, क्लोजर है इसलिए क्लोजर यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक सेल्फ लूप ले लिया है। सो अब इसके बाद इस पार्ट का हम एक्सपेंशन करते हैं। इस पार्ट का एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है? ये ए वाला पार्ट या ये पूरा पार्ट। सो इसमें दो पार्ट्स हैं, तो हम एक काम करते हैं कि ए से सेल्फ लूप ऊपर की तरफ दिखा देते हैं, इट इज दिस, और ए से हम सेल्फ लूप ऊपर की तरफ दिखा देते हैं और नीचे हम दिखा देते हैं सेल्फ लूप विथ बी ए देन ए प्लस बी। नाउ ये इसमें तीन कंपोनेंट्स है, एक दो एंड तीन। तीन कंपोनेंट्स के लिए मुझे दो मीडिएटर स्टेट्स इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, तो आइए इसमें मीडिएटर स्टेट ऐड कर देते हैं। सबसे पहले बी के लिए जो कि इस स्टेट में लेके जाएगा, देन इसके लिए ए जो कि इस स्टेट में लेके जाएगा। इसके बाद ए या बी में से कोई भी सिलेक्शन हो सकता है, सो यू कैन राइट ए कॉमा बी। नाउ ये वाला पार्ट कंप्लीट है।
अब आते हैं जो पार्ट इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने के लिए. सो दिस वन इज टेकिंग टू सिंबल्स, तो इसको हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं बाई एडिंग द मीडिएटर स्टेट. सो बी ए है, सो वी कैन एड बी हियर एंड देन वी कैन एड ए हियर एंड यू कैन रीच टू दिस स्टेट. सो दिस कंप्लीट्स दी ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन. सो वी विल मीट अगेन विद द न्यू एग्जाम्पल्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.